Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only Nitish. This channel is for loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes as well as business tips and commercial tips. दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम जो चलाई है, उस स्कीम का नाम है अमृत कलश स्कीम। यह कितना समय के लिए लागू की गई है, इस पे जो एफडी से भी ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है, और ये इसका डेडलाइन कितना तक लास्ट बताया गया है, इसी चीज के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फुलफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है। और दोस्तों, आप लोग कॉमर्स जो है शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप लोग के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग क्या होता है, पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बताया हूं। अगर आपको पता नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलते हैं दोस्तों, बिना समय को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम लॉन्च की है, एक नया स्कीम चलाई है, जिसका नाम है SBI अमृत कलश स्कीम। अब हम लोग इसके फीचर्स को जानेंगे कि क्या क्या इसका फीचर्स है, कब इसका लास्ट डेट हो रहा है, और कितना परसेंट जो है ब्याज एफडी से ज्यादा दिया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि यह जो स्कीम है अमृत कलश स्कीम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें एफडी जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, उससे ज्यादा ब्याज मिलता है। तीसरा विशेषता यह है दोस्तों कि इस स्कीम के तहत अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको एफडी कराने पे, मतलब अर्थात सालाना जो एफडी करवाते हैं, तो उसमें 7.60% आपको ब्याज दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं तो आपको 7.10% आपको ब्याज दी जाएगी। और यह स्कीम जो है आपका 400 दिनों के लिए चलाई गई है, और इसका जो यह स्कीम है, इस स्कीम का जो अंतिम डेडलाइन जो डेट रखा गया है वो आपका जून 30 रखा गया है। तो इसी को मैंने आप लोग के सामने नोट्स में भी लिख दिया हूं, तो आप इस नोट्स को देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जून में खत्म हो रही है, एफडी से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है, सीनियर सिटीजन को एफडी पर 7.60% सालाना, और अन्य को 7.10% सालाना, और समय जो 400 दिन के लिए दिया गया है। अब आप लोग के लिए लास्ट एक क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन से बैंक से बनी हुई है, इस प्रश्न का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने का समय समझ करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।